दूर रह गया भाई, एक शॉर्टकट रास्ता है कब्रिस्तानों से होकर गुजरा हो, उससे जल्दी पहुंच जाएंगे हम। ना भैया उस वाले रास्ते से ना जा रहे, सीधे सीधे चल रहे हम तो, बड़ी लेट पहुंचो। तेरी क्यों फट रही है, जल्दी पहुंच जाएगा उससे यार। अबे तू जा ला बेला, तू मेरा पान दे और हटा, और वो तेरे पे पान नहीं निकल रहा। अयो क्या सिगरेट सी ले रहा तुझे जेब में? सिगरेट ना जेब फट रही, तन्ने तो मेरा पान विनाश कर दिया होगा। चलो भाई चलो, अब लेट ना करो, चल भाई बैठ। ओ बैठ बैठ। ये रास्ता है वो भाई, मैं पहले मना कर रहा था इस रास्ते से मत आवे, यहाँ कुछ ना कुछ चोट हो गई है, हो गया ना बाइक खराब, और दिन छिपता वैसे जा रहा, रात होने वाली। यो कहाँ पता था हमें कि बाइक खराब हो जाएगी। चले गए। अरे लल्ला सुनियो,
हमारे पत्तों को देखा क्या? ना जी, सुबह से तुम्हारे पत्ते तो हमने देखे ना, आज ना देखे जी हमने सुबह से। यार मैं भी परेशान हो गया देव ढूंढता ढूंढता। अरे लल्ला, हमारे बालकों को देखा? ताऊ मैंने ना देखे, पर हाँ वे सुबह तीनों मेले में जाने की बात कर रहे थे, दो तुम्हारे पुत्र एक महेश का था। मेले में? मेला तो पुराने गांव में लग रहा। मैं कहीं बालक कब्रिस्तान वाले रास्ते से तो नहीं चले गए? बाबा मैं बचा लो। बाबा घबराओ मत, घबराओ मत, चलो चलो तुम घर को चलो, घबराओ मत, चलो। बाबा बाबा मैं बचा लो। अब इतना घबराओ मत, अब तो तुम घर हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबरा क्यों रहे? तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, शुरू से बताओ। हम दोनों और महेश का लड़का तीनों पुराने गांव मेला देखने जा रहे थे। बाबा मैंने से मना कर दी थी कि कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत जा, फिर भी इसने जल्दबाजी के चक्कर में गाड़ी उधर की मोड़ ली। बाबा मैं बचा लो। बाबा मेरे बच्चों घबराओ मत, तुम ये बताओ कब्रिस्तान वाले रास्ते में तुम्हारे साथ हुआ क्या? बाबा बाबा वो हमें मार डालेगा। बाबा हमें बचा लो, बाबा बचा लो। तुम दोनों चुप हो, तुम दोनों आराम करो, लेटो आराम से, सुबह बात करेंगे इस बारे में। चलो लेटो लेटो, सुबह बात करेंगे। कब्रिस्तान वो यही था अभी, कब्रिस्तान कब्रिस्तान वाला यहाँ था अभी। इतना वहम होगा? नहीं नहीं अभी यही था। तुझे कोई बुरा सपना दिखा है?
भाई कुछ नहीं है बाहर, डर मत, लेट सुबह पापा से बात करेंगे। कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान वाला था यहाँ। किस जगह? यहाँ पे शीशे में देखा मैंने, ना तो कुछ नहीं। तू सो जा, सुबह देखेंगे। सो जा, तू घबरा मत, सो जा। तो तुम दोनों शाम को बता सको थे कि वो कब्रिस्तान में ही रह गया। उसकी माँ चार बार आ ली सुबह से, अब पता चल रहा। तुम अगर शाम ही बता देते ना तो देख तो लगते उसे। पता तुम्हें कितने भयानक कब्रिस्तान है, वहां हर कोई जाने से कतरा गए। क्यों? वहां से जिंदा वापस नहीं आता कोई। अबे तुम्हें मेले में ही जाना था तो उस रास्ते से जाना जरूरी था क्या? रास्ता दूसरा नहीं है? या बस जानबूझ के मौत के मुंह में जाना? पापा हमसे गलती हो गई, अब हम वहां कभी नहीं जाने के। मेरी बात सुनो, जो हुआ हुआ। हम महेश की बहू घर भी आओगी ना, तुम्हें बस एक ही बात कहनी कि तुम्हारा लुंडा हमारे साथ नहीं था
हम तो मेला देखने अकेले गए थे, मेला देखकर रात को वापस आके हम उससे नहीं मिले, मैं उसके घर होके आ रहा, ठीक है। सुनो, अब घबराने की जरूरत नहीं है, घबराओ बिल्कुल ना, तुम कब्रिस्तान में गए थे, तुमने वहां कुछ देखा, भूल जाओ बिल्कुल, किसी के सामने जिक्र नहीं करना इस चीज का। भाई बाबा ने तो कह दिया कि भूल जाओ सब कुछ, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं उस कब्रिस्तान के भयानक मंजर को। अब भी मेरी नजरों के सामने आ रहा है। अमन भाई, मैं मानता हूं कि तुझे डर है, डर मुझे भी है, लेकिन यार उसकी सोच समीर की, यार वो हमारा कितना अच्छा दोस्त था, हम उसे ही तो ले गए थे जबरदस्ती, यार हमें उसे ऐसे नहीं छोड़ना, हमें उसे ढूंढने के लिए उन्हीं कब्रिस्तान के जंगलों में जाना होगा। नहीं भाई, मैं उन कब्रिस्तानों में नहीं जाऊंगा, मैं उस काले छाए को दोबारा नहीं देखना चाहता, भूल जाओ उसे। किसे भूलना है? समीर को? तू उसे भूलना चाहता है जिसने बुरे वक्त में तेरा साथ दिया, जब तेरे पास कुछ नहीं था ना, जब उसने तेरी मदद करी, और आज तू उसे भूलना चाहता है? ये मत सोच कि वहाँ क्या होगा, बस चल। भाई समझ ले। समझ ले क्या, समझने से ज़्यादा हमारे लिए समीर ज़रूरी है, चल। भाई सुहेल, मुझे तो डर सा लग रहा। डर मत, हौसला रख, कुछ नहीं है। समीर,
छोड़ इसे, छोड़। कौन है तू? असल तू ही था ना वो। छोड़ इसे, इसे मैं जान से मार दूंगा। तूने मेरा ऊपर धोखा था, जान से मार दूंगा। तू इधर आकर, हमारा दोस्त कहाँ है समीर? बता बता, समीर कहाँ है? समीर कहाँ है? तुमने मेरे ऊपर धोखा था ना, मैं तुम्हारे दोस्त को खा गया और तुम्हें भी खा जाऊंगा। चल भाई।